जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे हैं सचिन टेक टॉक्स। और आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले इस नए स्मार्ट वॉच का जो बोट की तरफ से आ रही है, जिसका नाम है लूना टिगॉन। अभी स्मार्ट वॉच की अगर बात करो ना, तो ये थोड़ा रिजेंबल है एप्पल अल्ट्रा वॉच की स्क्वायर वॉच जो आती है उसका ए राउंड वाला वर्जन। मतलब अगर कभी एप्पल फ्यूचर में लॉन्च करेगा तो उनको बोट से कॉपी करनी पड़ेगी। तो भाई वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, वीडियो में बहुत सारी चीज़ें होने वाली। तब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। फटाफट से अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है टिपिकल सा। इस साइड आपको मिल जाता है 1.45 इंचेस का एक एमुलेट डिस्प्ले, देन फिर फंक्शनल क्राउन, मतलब जो क्राउन है वो वर्किंग कंडीशन में है। बाकी आगे बात करते हैं तो एडवांस कॉलिंग, ऐसा सारे फीचर्स इधर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो मैं आपको एक एक करके यूज़ करके बताऊंगा कि एक्चुअल रियल वर्ल्ड में कैसे काम कर रहे हैं। सो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी सील ब्रेक करते हैं। इधर से पीछे की तरफ से हम लोगों ने सील ब्रेक किया और सील के इधर दिया गया इसका बारकोड, जो इसको स्कैन करके आपको इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने वॉच के साथ कनेक्ट करके सारे चीज़ों को अपने जगह पे रखना है, जिससे कि आपको पता चलते रहेगा 24/7 कि आपने क्या क्या किया है, क्या गुल मचाए है, कितने स्टैमिना हम लोगों ने खत्म किए, सारे चीज़ें ट्रैक करते रहेगी। जिसको समझना है वो समझ चुका है। बाकी आगे बात कर लेते हैं तो इसे स्मार्ट वॉच होने वाली है। लुक वाइज तो भाई काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, एकदम प्यारी सी चुम्मा पैकेजिंग। बाकी बात कर लेते हैं अंदर द बॉक्स और क्या क्या चीज़ें कंटेंट मिलते हैं। भाई हाँ, इधर से खुलेगा तो पहले वॉच को इधर से हम लोग ऐसा बाहर निकाल लेना पड़ेगा। इसको साइड में रखते हैं तो इधर मिल जाता है एक पोगो पिन टाइप चार्जर जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिकली चिपक जाएगा तो गिरने का टेंशन नहीं। और वायर की लेंथ भी ठीक है, मतलब इतने भी ख़राब नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं। आप अपने लैपटॉप से पावर बैंक से चार्ज कर सकते हो, इसको बाद में चेक करेंगे। बाकी आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिलती है। तो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं कुछ मैनुअल गाइड, देन फिर इतना बड़ा आपको मैनुअल गार्ड मिलता है। भाई इसके साथ क्या क्या, मतलब क्या ही 10वीं का एग्जाम आराम से दे दूंगा। बाकी बात कर लेते हैं आगे तो इधर 1 साल का वारंटी कार्ड, जिसको स्कैन करके आपको 1 साल का वारंटी क्लेम कर लेना है। बाकी आगे बढ़ते हैं, ये पता नहीं है बुकलेट क्यों, हाँ ये लोगों ने किस चीज़ को स्पॉन्सर किया है, फिर क्या क्या चीज़ें मिलती है सारी चीज़ें। बाकी कुछ स्टिकर्स जो इधर बहुत ही प्यारे स्टिकर्स बनाए गए, तो वो स्टिकर्स, तो बस इतना ही है। आगे बात कर लेते हैं स्मार्ट वॉच की, तो आप इधर लुक देखो भाई क्या खतरनाक ही लुक निकल के आ रहा है। बाकी 10 स्टिकर्स को निकाल लेते हैं बाहर, बेल्ट को देख लेते हैं। बेल्ट आप देखोगे पूरा अल्ट्रा वॉच की ऐसा लग रहा है, लेकिन भाई क्वालिटी बहुत अच्छी रखी गई है इधर, मेरे को क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ लग रहा है। बाकी इधर हुक मिल जाता है, दोनों मेटल के हुक है। बाकी पीछे आपको पूरा एक बोलते ना ग्लॉसी डिज़ाइन वाला बैक देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको इधर स्पीकर्स मिलते हैं, इधर माइक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, इधर भी एक माइक का सपोर्ट है, पता नहीं ये वाला होल क्यों है, इधर माइक का सपोर्ट है। तो बाकी इधर वॉकेबल क्राउन है जो हम लोग देखेंगे, इधर एक अलग से बटन है स्पोर्ट्स मोड के लिए। बाकी इधर 20mm के आई थिंक इसमें बेल्ट लगे हैं, जो मैं आपको बता दूंगा डाल दूंगा इधर। तो इधर आप इंटरचेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आप बेल्ट ले सकते हो, चूज़ कर सकते हो। इसमें कलर्स भी मिलते हैं अलग अलग, तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कलर ले सकते हो। इस वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो इधर बोट का लोगो आ चुका है, जिसको आप ऐसा यूज़ करके ना भाई देख सकते हो, एकदम सॉफ्ट क्राउन है। मैंने इसके पहले एक एंडोवर जो स्मार्ट वॉच का जो अनबॉक्सिंग किया था ना, उसमें टैक्टाइल फीडबैक दिखता था, मतलब टक टक आवाज आता था, मज़ा आता था। तो इसमें वो वाला चीज़ नहीं है, एक स्मूथ है, मतलब एकदम प्यारा सा हल्का सा है। बाकी इधर बात कर लेते हैं डिज़ाइन, पूरी मेटलिक डिज़ाइन में इधर मिल रही, सिर्फ पीछे जो डिज़ाइन है वो आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक देखने मिलता है। बाकी इधर की जितनी डिज़ाइन है पूरी मेटल की है, और जो इधर है जो आप बेजल देखोगे बहुत ही कम देखने मिलता है। मैं थोड़ा ब्राइटनर, अरे यार बट हाँ देखो इधर आप पता चलेगा कि इतना बेजल मिलता है आपको, कुछ 0.3mm का आई थिंक बेजल से इसके साथ में। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ जाता है इसमें। देखो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ना, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, पता चलेगा क्या है। देखो अभी इधर से मैं ऐसा करता ना, रेस्ट टू वेक तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे काम नहीं करता, जो कि एंडियोर में सेम प्राइसिंग में काम करता था। तो वो चीज़ एंडियोर की बहुत अच्छी थी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आप ऐसा हाथ घुमाओगे ना तो उसकी डिस्प्ले चालू हो जाती थी, लेकिन इसमें नहीं होती, इसमें आपको फिजिकल बटन दबा के ही करना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ है। बाकी मेन चीज़ें अंदर देख लेते हैं। तो ऊपर से नीचे करोगे तो इधर आपको नोटिफिकेशन टॉगल्स देखने मिल जाते हैं, और नीचे से ऊपर करोगे तो इधर अपने मैसेजेस आते हैं। इस साइड करोगे तो हार्ट रेट, SpO2, ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, पर्सनलाइज में जाओगे तो आप इधर से और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे वेदर, फोन, फ़ोन से बात याद आई कि इसमें आप कॉलिंग भी कर सकते हो, अटैच करेंगे देखेंगे कॉलिंग कैसे होती है। बाकी आप और साइड में सेट करोगे तो इधर आपको बोलते हैं ना एक्सट्रीम फास्ट, मतलब एकदम जो एकदम सामने सामने से आप रेगुलरली जो यूज़ करोगे इधर आते रहेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा। बाकी इस बटन को दबा के आपको मेनू में जाना है, ये वाले बटन को। बाकी इधर ऐसा कुछ मेनू देखने मिलता है, मेनू देखेंगे, लेकिन इधर आपको नीचे वाला बटन एक मिलता है जिसमें आपको स्पोर्ट्स मोड डेडिकेटेड देखने मिलता है, जिसको आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स मोड के लिए काम करता है। डायरेक्टली आप इधर से स्पोर्ट्स मोड में जा सकते हो। और इधर मेन मेनू में जाते तो इधर कैलकुलेटर मिल रहा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है, वॉइस असिस्टेंट है, वर्ल्ड क्लॉक है, टाइमर है, फाइंड माय फोन है, सारी चीज़ें इधर अवेलेबल करवाई गई है जो आपको रेगुलर डेज में यूज़ होगी। तो मेरे हिसाब से ठीक है, पहले इसको अपने स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन को, और देखते हैं कि कैसे है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। बाकी अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है
तो आपको अपना स्कैनर विनर होगा या फिर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्यूआर कोड का लेना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। मैं इधर क्यूआर कोड से करके दिखाता हूँ। तो इधर देखो, अरे कुछ दूसरा ही क्यूआर कोड ले लिया भाई साहब ने। चलो इसको बंद करते हैं और इधर वाला लेते हैं। हाँ देखो, इधर वाला लिया है और इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखते हैं अभी आता है क्या, कौन सा एप्लीकेशन आता है इनका। इधर बोट क्रेस्ट करके आई थिंक ऐप आने वाला है। तो इधर आपको ऐप स्टोर और गूगल स्टोर दोनों का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको गूगल स्टोर में चले जाना है। तो इधर बोट वेरिएबल्स करके आएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको इसके बाद ओपन कर लेना है, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा इधर नंबर डाल देना है। मैं सब इसको कर लेता हूँ। तो देखो उधर आपने जैसे ही नंबर डाला, इसका OTP रजिस्टर हुआ। उधर आपको उसके बाद पूछता है नाम, लास्ट नेम, देन ईमेल आईडी, ये भी दे देना है आपको। उसके बाद इधर कुछ एक्सेस पूछेगा आपको, ग्रांट परमिशन में आपको क्लिक कर लेना है। ओके कर दबा देना है, रिट्रैक्ट कर देना है। इधर आपको एक मेन पेज खुलेगा बोर्ड वेरिएबल्स को जाके, आपको जो अलाउ नहीं रहेगा इसको अलाउ कर देना है, नहीं तो आपकी वॉच अच्छे से कनेक्ट नहीं होगी और आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ों में जो दिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, तो ये आराम से देखना और सब कुछ जो पूछ रहा है इसको अलाउ करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ही सब चीज़ अच्छे से काम करके तो सेटअप कर लेना है। इधर आपको स्मार्ट वॉच पूछ रहा है कौन सा है, तो इधर अपन देख लेते हैं। अभी इसमें लूना टिगॉन इधर आ जाता है, तो लूना टिगॉन को कनेक्ट करके सेटअप पे दबा देना है, आई अग्री करना है। फिर ब्लूटूथ पूछेगा, ब्लूटूथ को अलाउ कर देना है, तो ब्लूटूथ चालू हो जाएगा आपका। तो डायरेक्टली वन सिंक टेक्नोलॉजी इसमें मिल रहा है आपको देखने के लिए। बाकी आई थिंक मुझे स्मार्ट वॉच को रीसेट मारना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर रखा था दूसरे स्मार्ट फोन में, तो आ चुका है, फिर भी ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो लूना टिगॉन अभी देखते हैं इस पर पूछता है कि नहीं। चलो पूछ लिया है, देखो इधर पूछ रहा है, तो इसको एक्सेप्ट पे आपको दबा देना है राइट वाले पे। तो इधर फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ में। तो इधर मेल फीमेल जो भी है आपको इधर देना है, पैर दबा देना है। फीमेल है क्योंकि मेरी मम्मी का फ़ोन है, एज 50-60 रहेगी मम्मी की, तो उतना एज में सेलेक्ट कर लेता हूँ, 61 कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। अपडेट एज हाइट 5 सेंटीमीटर, अपडेट वेट 70 kg। अच्छा अपडेट वेट इतना इनको चलना है, सेटअप जर्नी, ओके गॉट इट। तो हम लोग अभी अंदर आ चुके, डायमंड हो चुका है हमारा अंदर। तो कंप्लीट और प्रोफाइल इधर माय वॉच में जाओगे तो इधर सारे फीचर्स मिलते हैं। वॉच फीचर्स में जाओगे तो आप इधर 100+ तो आपको मिलते ही है, मतलब 100 क्या उससे ज़्यादा ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा है। इधर देखोगे आप बहुत सारे इधर वॉच फेसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्रिएट वॉच फेस में जाओगे आप अपना खुद का भी लगा सकते हो। बैकग्राउंड में जाओगे तो इधर खुद का बैकग्राउंड देखो, क्रिएट वॉच फेस आएगा, अपलोड इमेज आएगा, तो इधर जो सेलेक्ट रहेगा वो अभी चूज हो गया इसके ऊपर ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में। हाँ इधर अपलोड इमेज आएगा, अपलोड इमेज में जाना है, गैलरी में चले जाना है। तो अगर मेरे को ये फोटो लगाना है, फॉर एन एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ, तो ऐसे करके कुछ आपको वॉच फेस लगाना है। फिर वुमन हेल्थ केयर में इधर आपको वुमन हेल्थ केयर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इधर ट्रैक कर सकते हो। और ब्लूटूथ कॉलिंग में जाओगे तो ब्लूटूथ कॉलिंग ऑटोमेटिकली इधर सिंक हो चुका है। इसमें ऑलमोस्ट आप 10 कॉन्टैक्ट तक सिंक करके रख सकते हो, तो देखते हैं कि कितना कॉन्टैक्ट आता है, मुझे तो 10 लग रहा है। ओके सिंकिंग, कॉन्टैक्ट सिंकिंग चल रहा है। चलो इधर मैं मेरी वाइफ का नंबर अपलोड कर देता हूँ। इधर कॉन्टैक्ट ऐसा करके आपको सेलेक्ट कर लेना है, कोई नंबर नहीं दिख रहा कितना। कैमरा में आप जाओगे तो इसको ओके कर लेना है। कैमरा में आप इधर ऐसा फोटो फोन रख के इधर ऐसा फोटो क्लिक करोगे, इधर फोटोज़ आ जाते हैं। तो इधर देखो फोटोज़ आ गए, इसको बाद में आप यूज़ कर सकते हो फोटोज़ को। देन अलर्ट्स में जाएंगे तो आप इधर वाटर ड्रिंकिंग, सेडेंटरी रिमाइंडर, सारी चीज़ें कर सकते हो, अलार्म कर सकते हो। वॉच सेटिंग में जाओगे तो वॉच सेटिंग में आपको वेकअप गेस्चर, 24 आवर एंटी लॉस्ट भी आप रख सकते हो। फिर DND, वर्ल्ड क्लॉक, डेट फॉर्मेट आपको जो भी चाहिए वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बैकलाइट आपको कितने सेकंड का चाहिए, मेरे को अभी चाहिए इसमें 10 सेकंड का, तो मैं 10 सेकंड का इधर इसमें रख सकता हूँ, मतलब 10 मिनट तक 10 सेकंड तक इसमें लाइट जलते रहेगा। वाइब्रेशन मोड आपको 1 टाइम 2 टाइम जैसे रखना है 3 टाइम ऐसा रख सकते हो आप। और फॉर्मवेयर अपडेट और ये सब चीज़ें इधर आपको देखने के लिए मिल जाती है। अभी ये ब्लूटूथ से कनेक्ट है, अभी एक फ़ोन लगा के देखते हैं कि इसकी कॉलिंग फीचर कैसे काम करती है। तो इसके फ़ोन में चले जाना है, इधर कॉन्टैक्ट में होंगे तो इधर नाम है, तो देखो इधर अभी ये चालू हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। देखो तो इसकी अभी जो स्मार्ट वॉच से इसकी आवाज़ आ रही है, हेलो कैसा आ रहा है आवाज़ अपना, एकदम परफेक्ट। कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एकदम परफेक्ट। बैकग्राउंड नॉइस कुछ आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, बहुत क्लियर आ रहा है। चलो ठीक है, मतलब माइक अच्छा है इस स्मार्ट वॉच का। तो गाइस जैसे आपने कॉलिंग में भी देखा काफ़ी तगड़े हिसाब से काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को इधर। बाकी अगर स्मार्ट वॉच के आगे बात कर रहे थे अभी स्मार्ट वॉच, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो काम के वो दिखा दी, बाकी तो आप यूज़ कर लोगे। बाकी देखो इसमें आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग, फिर आपको इधर पहले देखते हैं अपन इसका वर्कआउट मोड। तो इसमें आपको रनिंग, ट्रेडमिल, वॉकिंग ये सब चीज़ें मिलती है, योगा भी का आप सारी चीज़ों को पहन के कर सकते हो। तो ये जैसे जैसे यूज़ करोगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो मेन मेरे को लगता है वो चीज़ें यूज़ करते हैं इसके हार्ट रेट एंड SpO2 सेंसर्स,
तो वो एक चीज देखते हैं इसका, देखो 97 बता दिया, अभी देखते कि बिना हाथ रखे कैप्चर कर पाता है कि नहीं। तो देखा इधर बता दिया वेयर योर वॉच प्रॉपरली, मतलब सेंसर्स काफी ज्यादा एक्यूरेट इधर दिए गए हैं। बाकी इधर स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हो, SPO2 मेजरिंग भी कर लेते हैं। देखो पीछे लाइट जल रहा है, तो इधर डायरेक्टली बता दिया मैंने हाथ में नहीं रखा है, तो इसको मेरे को वापस से ऐसा रखना पड़ेगा तो ये हाथ में दिखाएगा मेरे। देखो अभी ये मेजर करने लगा, मैं हाथ से उठा दूंगा इसका मेजरिंग बंद हो जाएगा। देख रहे हो मतलब सेंसर्स अच्छे काम कर रहे हैं इसके। मेरे को ये चीज़ बहुत सही लगी कि ऑलमोस्ट बोट ने अभी सेंसर्स के मामले में बहुत ही अच्छा अपग्रेड किया है खुद को, तो ये चीज़ अच्छी है। थोड़ा सा अच्छे से करता हूँ, नहीं तो ये लेगा नहीं। 98 लिया तो मतलब मेरा एकदम परफेक्ट है। बाकी जो मेन मेन्यू में और चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो दिखा देता हूँ आपको। कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया, हार्ट रेट, स्ट्रेस, ये सब तो आपको पता ही है। अलार्म क्लॉक, म्यूजिक कंट्रोल आप इधर से डायरेक्टली कर सकते हो। फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर इधर मिलता है, कैलकुलेटर मिल जाता है। कोई भी गेम्स नहीं मिल रहे इसके अंदर, तो चलो गेम्स तो मैं इसमें खेलूंगा भी नहीं। ब्राइटनेस आप पासपोर्ट लगा के रख सकते हो अपने स्मार्ट वॉच को। एप्लीकेशन डाउनलोड भी इधर ऑप्शन मिलता है। थीम्स में आप जा सकते हो, तो थीम्स में इधर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है आपका थीम। इधर आप मेन मेन्यू भी इसको चेंज कर सकते हो, आपको ऐसा राउंड रखना है, ऐसे रखना है, देखो फिर मेन मेन्यू ऐसा चेंज हो जाता है। देख लो, देखो मस्त है ना, एकदम मस्त वाला फील लग रहा है। बाकी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको चेंज करके वापस हम लोग नॉर्मल वाला कर लेते हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशन ये सब चीज़ें इधर मिल जाती है। स्क्रीन ऑन टाइम आपको जो मेरे 10 सेकंड रखा था वो, तो सारी चीज़ें अच्छी है इसके अंदर। बाकी इसमें IPX की रेटिंग की बात करूँ तो IP67 की इधर रेटिंग है, तो वाटर का भी टेंशन नहीं इधर, कोई भी चीज़ें इधर आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। बाकी ऑल इन ऑल कुछ बचा है कि नहीं, देखो मैंने सब कुछ बता दिया। एडवांस कॉलिंग, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, स्पोर्ट्स मोड, क्लाउड कस्टमाइजेशन, म्यूजिक कंट्रोल, फिर मैसेजिंग, कॉल, टेक्स्ट एंड सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें मिलती है। नोटिफिकेशन भी आ जाती है, तो नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो, रिप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑल इन ऑल अभी लास्ट में बचा है बैटरी इसका, तो कंपनी 7 डेज का इधर बैटरी क्लेम कर रही है। और मेरे यूजेज में मैंने इसको 1 हफ्ते से भी इसको यूज़ कर रखा है स्मार्ट वॉच को, तो अराउंड 3 से 4 दिन का बैकअप दिया, उसके बाद इसकी बैटरी खत्म हो गई। और कॉलिंग के साथ यूज़ करो तो 2 दिन मैक्सिमम, 1.5 दिन उससे ज़्यादा नहीं देगा। और विदाउट कॉलिंग यूज़ करूँगा तो 4 से 5 दिन, मतलब अगर आप सेंसर्स बंद रखते हो, तो मैंने सारे सेंसर्स ऑन रखे तो 3 दिन का बैकअप मिला है, बाकी उधर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें मेरे को बहुत सही लगी स्मार्ट वॉच की, सीरियसली बोलूँगा। और प्राइसिंग को देखते हुए 2-2 9 रुपीज़ थोड़ा सा ज़्यादा लगा, 2000 के अंदर आ जाए ना तो भाई मज़ा आ जाए। स्मार्ट वॉच कोई प्रॉब्लम नहीं है स्मार्ट वॉच को लेकर, मेरे को तो बहुत सही लगा। बाकी ऑल इन ऑल आपको कैसे लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर इस वॉच को बाय करना है तो बेस्ट बाइंग नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो जाके चेकआउट कर लेना। बाकी वॉच तो लुक वाइज सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, हाथ में भी और मीडियम रिस्ट में है तो भाई सही लग रही है एकदम। देखो मेरा मीडियम रिस्ट है, मेरे को सही लगता है। आप छोटे रिस्ट वाले भी हो तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि गोल्ड आई लाइक गोल्ड एंड नॉर्मली अच्छे लगते हैं स्मार्ट वॉच। और अगर गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी सही है एकदम, अलग अलग कलर्स में बाय कर सकते हो। बाकी ऑल इन ऑल हम लोग कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और वंदे मातरम।